सरकार ने बंद करी शहर की दुकानें। शिवपुरी जिले के आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार के बीच फिर से उत्पन्न हुआ गतिरोध। जिले में हुए कोरोना विस्फोट के कारण प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन कर दिया, लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं थी। अब जब जनता बाजार आएगी ही नहीं तो शराब की बिक्री होगी कैसे? शराब दुकानें जिले में पूरी बंद दिख रही हैं, क्या कारण? श्रीमान क्या है, कलेक्टर महोदय के द्वारा लॉकडाउन है, पूरा मार्केट बंद है और कोरोना के चक्कर में बहुत मरीज निकल रहे हैं शहर में, तो बाजार में रौनक ही नहीं है, बाजार में आदमी नहीं आ रहे हैं, पूरा बाजार खाली पड़ा है। तो श्रीमान से ही मेरा यही निवेदन है कि मेरी दुकानें भी बंद कर दी जाए, क्योंकि लाइसेंस फीस देने में असमर्थ। शराब के ठेकेदार को का यह कहना है कि जब लॉकडाउन किया जाए तो शराब की दुकानें भी बंद की जाए, जिससे उनका आर्थिक नुकसान ना हो। अब देखना यह है कि एक बार फिर से प्रशासन और शराब ठेकेदार के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ है। अब इस गतिरोध को संभालने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है? सर, शराब की दुकानें आज ठेकेदार ने फिर बंद कर दी, क्या कारण? हाँ, मुझे मालूम चला है, देखा भी है मैंने, शिवपुरी नगर पालिका सीमा के अंतर्गत ठेकेदारों के द्वारा शराब की दुकानें बंद की गई हैं। उनसे बातचीत हुई है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि क्योंकि पिछले 7 दिन से लॉकडाउन था, उसमें सिर्फ 2 दिन ही शराब की दुकानों को सिर्फ शिवपुरी नगर पालिका में बंद किया गया था, जबकि पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन था। नगरीय क्षेत्र में शराब कोई आदमी नहीं आया खरीदने के लिए, तो इसका वो विरोध दर्शा रहे हैं और उनका कहना है कि हम कैसे ड्यूटी जमा करेंगे। इस संबंध में हालांकि चर्चा हुई है, वर्तमान में सिर्फ शिवपुरी नगर पालिका में लॉकडाउन है, उसमें भी कुछ दुकानें खोलने की अनुमति है। ऐसा अनुमति है कि कुछ दुकानें एक दिन खुलेंगी, कुछ दुकानें एक दिन खुलेंगी, तो अभी तो लोगों का आना जाना है। इस संबंध में ठेकेदार को समझाया गया है, शायद अब दुकानें खुल जाएगा।